उस पर पूरी फिल्म हम दोनों के बारे में नहीं थी और वो एक अलग जॉनरा था। क्रिकेट मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर थे क्रिकेट को लेकर। तो ज़रूर नहीं कि आप परफेक्ट हों, लेकिन कैसे दो इम्परफेक्ट लोग भी साथ में आकर एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। भावरा और रूही ऑडियंस को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने मिस्टर और मिसेज माही की जर्नी तय कर दी। तो चलिए स्वागत करते हैं जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव का। तो सबसे पहले रूही मूवी देखी सभी ने, आप दोनों की जो केमिस्ट्री थी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। जब आपको फिर से मिस्टर एंड मिसेज माही में आप दोनों को आना है एंड यू गॉट टू नो कि हमारे जो कोस्टार रहेंगे रूही के ही रहेंगे, सो तब कैसा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था या व्हाट यू फेल्ट? उसमें तो बहुत झलक थी आई थिंक, छोटी सी। रूही वॉज नॉट, आई वुड से कि उस पर पूरी फिल्म हम दोनों के बारे में नहीं थी और वो एक अलग जॉनरा था। बट मिस्टर एंड मिसेज माही इज़ अ ह्यूमन स्टोरी, तो आई थिंक इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो आप कह सकते हैं कि एक असली जो केमिस्ट्री हम बोलते हैं वो केमिस्ट्री है जो बहुत अच्छे से आई है इस फिल्म में, क्योंकि कमाल की कहानी है, कमाल के किरदार लिखे हुए हैं। शरण बहुत ही ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर हैं और हम दोनों ने, आई थिंक हम सब ने, फिल्म में जितने भी लोग हैं सब ने जी जान अपनी जो है इस फिल्म में लगा दी है, अपना दिल अपनी आत्मा इस फिल्म में डाल दी है। ओके जाह्नवी, व्हाट यू वांट टू से? नहीं, जो इन्होंने कहा वो सही है। आई थिंक रूही में जैसे आपने कहा था एक झलक दिखी थी शायद, लेकिन इतने सारे मौके नहीं मिले कि हम एक दूसरे के साथ, पहले तो मेरे फिल्म में शायद इतने डायलॉग्स थे भी नहीं तो इंटरेक्शन इनके साथ कम था रूही के दौरान। लेकिन रूही के सेट्स पर भी हम बातचीत करते रहते थे और सोचते थे कि अगली बार हम एक शायद लव स्टोरी करेंगे साथ में या एक ड्रामा करेंगे और आखिरकार में मौका मिला हमें मिस्टर एंड मिसेज माही में एंड आई थिंक ये सबसे सही कहानी थी हमारे लिए। सो आपका वो जो शायद है वो सच में बदल गया है, तो आप दोनों की केमिस्ट्री हमें देखने मिल रही है। और इसी के साथ जैसे कि मैंने जर्नी की बात की कि ऑडियंस ने ये तय कर दिया है जर्नी, सो ये जर्नी आई एम श्योर बहुत ही डिफ़िकल्ट रही होगी। सो फर्स्टली जाह्नवी, क्रिकेट खेला है आपने, बहुत ही डिफ़िकल्टी हुई रहेगी, हमने रील्स में भी दिख रही है कि कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ऑल, सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, सो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। आई थिंक शुरुआत में मैंने शायद अंडर एस्टिमेट किया था कि कितना मुश्किल होगा ये ट्रेनिंग। आई थिंक मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि हमारे डायरेक्टर क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो बहुत पर्टिकुलर थे कि हम कुछ चीटिंग वीटिंग VFX नहीं करेंगे। वो चाहते थे कि मैं पूरी तरह से क्रिकेट में ढल जाऊँ, स्पोर्ट को समझूँ, बॉडी लैंग्वेज समझूँ। तो 2 साल तक लगातार ट्रेनिंग चली, काफ़ी इंजरीज़ भी हुए, दोनों शोल्डर्स डिसलोकेट हो गए और मैंने काफ़ी वक्त बिताया मेरे कोचेस के साथ, काफ़ी क्रिकेटर्स के साथ। और क्रिकेट से ज़्यादा भी मुझे इस स्पोर्ट्स के ज़रिए एक डिफरेंट टाइप की, आई थिंक आई हैव जस्ट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड एंड लुक एट वो जो फिलॉसफी होती है क्रिकेट की कि इट्स नॉट अबाउट हिटिंग दैट वन बॉल, इट्स अबाउट द एंटायर गेम। आई थिंक एंड जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड वर्क हार्ड, आई थिंक दैट रियली केम इनटू प्ले। यस और राजकुमार, आपने बहुत ही सपोर्ट किया है फिल्म में महिमा को। सो इस जो भी बैकग्राउंड में आपका जो किरदार था, क्या कहना चाहेंगे कि कितना आपने सपोर्ट किया इनको, कि तुम क्रिकेट खेलो, इनको डॉक्टर बनना है, लेकिन यू प्ले क्रिकेट। आई थिंक यू आर ब्लेस्ड व्हेन यू हैव अ पार्टनर लाइक दैट, कि वो अगर हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट कर रहा है या वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है इनके ट्रू कैलिबर तक पहुंचने के लिए, और इवन इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एनी पार्टनर, यू कैन बी योर ब्रदर सिस्टर आल्सो। यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड व्हेन यू हैव समबडी इन लाइफ हु इज देयर टू पुश यू, हु इज देयर टू गाइड यू, मेंटोर यू। तो इस फिल्म में ऑफकोर्स महेंद्र जो है वो एक तरह से उसको रियलाइज़ होता है इनका जो पोटेंशियल है और कैसे ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो फैमिली प्रेशर में आके कुछ वो रास्ता चुन लेते हैं जो शायद उनका दिल नहीं था पर उनको चुनना पड़ा। तो आई थिंक उसी को जो है जाह्नवी का जो किरदार है महिमा वो दर्शाता है, और कैसे फिर एक कोई आता है ज़िंदगी में जो आपको वापस उस रास्ते लेके जाता है जहाँ पे आपका हमेशा से मन था जाने का। सो हैव यू सीन दैट इंसिडेंट्स की कुछ और बनना था लेकिन प्रेशर, पेरेंट्स के प्रेशर के ज़रिए हम लोग नहीं बन पाए? वो मेरे कुछ दोस्त हैं पहले के, जो हम कुछ बचपन में डिसाइड करते थे, तो मेरा हमेशा था कि एक्टर बनना है। मेरे कुछ दोस्त थे जिनको कुछ और करना था लाइफ में, बट परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी शायद कि वो फॉलो नहीं कर पाए अपने पैशन को, और फिर आज ऑफकोर्स दे आर इन जॉब्स और समथिंग लाइक दैट। पर हाँ, ऐसा होता है अक्सर, पर वो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन अपने आप को एक्सेप्ट करवा पाना कि हाँ मैंने छोड़ दिया जिस चीज़ से मुझे प्यार था। या जाह्नवी, यू? ऑनेस्टली नॉट सो मच, लेकिन मैं एक निर्देशक को जानती हूँ जो पहले एक 9 to 5 जॉब करते थे, आई थिंक अकाउंटिंग में या मार्केटिंग में या ऐसा कुछ, और फिर लेकिन उनको हमेशा से फिल्म से बहुत प्यार था और वो कोई स्कूल में नहीं गए फिल्म इंस्टीट्यूट या उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की फिल्मों को लेकर, लेकिन जब उन्होंने तय किया था कि मैं ये काम छोड़कर फिल्मों में घुसना चाह रहा हूँ, दिल लगा के उन्होंने फिल्म्स की जानकारी में लग गए, एडी करना लग गए अलग अलग फिल्मों में, और फिर उन्होंने जो फिल्म बनाई थी वो इतनी खूबसूरत थी। सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज फॉलो व्हाट योर हार्ट सेज, और फिर वो हमेशा दिखता है। यस, और इस सिचुएशन में हमारे साथ जो हमारा पार्टनर होता है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। सो पर्सनली आपकी लाइफ में जब आपको एक्टर बनना था, कौन थे वो जिन्होंने आपको सपोर्ट किया कि तुम्हें जो बनना है तुम करो? इन माई केस आई थिंक माई पेरेंट्स, स्पेशली माई मदर, शी रियली सपोर्टेड मी, शी वॉज ऑलवेज देयर whenever I needed something, and she never questioned me कि तुम कुछ और तो कर लो पहले, देखो कुछ कोई डिप्लोमा कोई डिग्री ले लो या कुछ और जॉब के साथ साथ ये कर लो एज अ हॉबी, because she knew it was not a hobby, it was my first love, it was my passion, so she was there to support me a lot. Yeah, and Janhvi, you? I think of course my parents, but also so many people that I've worked with, क्योंकि वो जो हिम्मत लानी पड़ती है खुद में, सेल्फ बिलीव लाना पड़ता है, वो धीरे धीरे बिल्ड होते रहता है, एटलीस्ट मेरे लिए। सो ऑफकोर्स मॉम एंड डैड मुझे हमेशा इनकरेज करने के लिए, लेकिन इवन माई डायरेक्टर्स, आई थिंक शरण से लेकर, नितेश सर से लेकर, सिद्धार्थ सेन गुप्ता से लेकर, इवन माई को एक्टर्स, पंकज सर ने मुझे इतना इनकरेज किया था। जब इतने टैलेंटेड एक्टर्स से बढ़ावा मिलता है, राज इवन, आई थिंक इनके साथ मैं जब भी काम करती हूँ, सीन्स करती हूँ, जब ऐसे लगता है कि मैं पहले तो इनसे सीख रही हूँ, और फिर जब when your co-actor looks at you like he believes what you're doing। मुझे अभी भी याद है, आई डोंट थिंक यू विल रिमेंबर, रूही के लिए हम एक रीडिंग कर रहे थे और बहुत आई थिंक 1-2 डायलॉग्स थे सिर्फ, एंड यू लुक्ड एट मी एंड यू सेड आप बहुत ऑनेस्टी से कह रहे हैं, मतलब बहुत ऑनेस्टी आपकी आंखों में। मैं मतलब 1 महीने तक हर रात को सोने से पहले ये दोहराती थी मन में, राजकुमार राव ने बोला कि मैं बहुत ऑनेस्ट एक्टिंग कर रही हूँ। सो स्टफ लाइक दैट, वो बढ़ावा मिल जाता है, थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। यस और इसी में एक ऐसा भी रील चल रहा था जहाँ पे अवार्ड फंक्शन में आपको पूछा गया था कि किसके साथ आप काम नहीं करना चाहेंगे, बट यू आपने बहुत तारीफ की। यस आप वही बैठे थे, बहुत तारीफ की। सो इस बार क्या कुछ आपने सीखा है और कितना सपोर्ट किया है राजकुमार ने? दूसरे को सपोर्ट किया है, मतलब ऑनेस्टली ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सीखते ही रहते हो, हम काम करने हैं, हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं और एक दूसरे से हर कोई सीखता है। आप किसी से भी सीख सकते हो, आप अपने कैमरामैन से भी सीखते हो, तो हर सेट पे वो सीखने की अगर आप में लगन है तो आप कहीं भी कभी भी सीख सकते हो कुछ। बट आई थिंक दिस फिल्म स्पेशली, आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है। शरण ने हम दोनों को बहुत सपोर्ट किया है कि जिस तरह से वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे सेट पर कि अगर कुछ इम्पॉर्टेंट सीन है तो वो सब सेट पर थोड़े शांत हैं, जैसे अभी सब शांत बैठे हैं ऐसे ही माहौल रहता था, एक म्यूज़िक चल रहा होता था to transport you in that zone, आप mental space में चले जाएं before you start shooting। तो I think एक दूसरे को support करना ही पड़ता है, it's a team work। और especially I think ऐसी जो emotional scenes में जिस तरह की कहानी ये है, हर scene को जिस honesty से हम निभाना चाह रहे थे, it's important to have an emotionally safe space। और वो type I'm very thankful कि राज ने भी, शरण ने भी, सब ने वो टाइप का कंफर्ट दिया कि हम इमोशनली वनरेबल हो सके एक दूसरे के साथ। यस और आपने पहले भी शरण शर्मा के साथ काम किया है गुंजन सक्सेना में। सो उनके इस मूवी में उनके जो विजन पे खरा उतरना आपके लिए डिफ़िकल्ट था या आप जल्दी से समझ जाते थे? डिफ़िकल्ट नहीं, समझ जाते थे ऑफ कोर्स, बट देन यू वांट टू बी बेटर, तो आपको लगता है कि नहीं एक और करते हैं, थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। एंड शरण अपना एक विजन है, वी ऑल आर फॉलोइंग द डायरेक्टर्स विजन, इट्स द डायरेक्टर्स मीडियम, तो समझ तो जाते थे ऑफ कोर्स। आई थिंक क्रिकेट मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर थे क्रिकेट को लेकर, तो उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करना, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि इसका तो आसान तरीका है, लेकिन वो जिस प्योरिटी से हर चीज़ को निभाना और दिखाना चाह रहे थे, मैं अभी बहुत खुश हूँ कि हम उनके रास्ते पे गए, लेकिन 1-2 बार ऐसे लग रहा था कि बहुत टफ है यू नो, मूवी का कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आप दोनों के लिए प्ले करना बहुत डिफिकल्ट था और कुछ ऐसी बिहाइंड द स्टोरी है जो यादगार रहेगी? बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं ऐसे इस फिल्म में जिनको प्ले करना टफ था, बिकॉज इसके जो किरदार हैं वो बहुत रिलेटेबल हैं, जो इसके सीन्स हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे हमारे हैं होंगे ऑडियंस में जो जब देखेंगे तो उनको लगेगा कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है या मेरे साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रह चुका है। तो उसको उतनी ईमानदारी से उतनी ट्रूथफुली प्रेजेंट करना वो टफ था और ऐसे काफ़ी सीक्वेंसेस हैं फिल्म में। यादगार आई वुड से पूरी फिल्म यार, बहुत कम बार ऐसा होता है कि पूरी कि हर कोई, आपकी सारी टेक्निकल टीम भी, डायरेक्टर भी, एक्टर्स भी, सब एक्टर्स वो सब सेम थॉट से सेम पैशन से एक कहानी के बारे में आ रहे हैं। एडीज भी वो सब बहुत ही लाइक माइंडेड लोग थे और एक बहुत अच्छी सिनर्जी थी सेट पर जिसकी वजह से ये बनी है जिस तरह से ये बनी है। मेरे लिए वो एक सीन था वो झगड़ने वाला सीन नेट्स में, या एंड रिमेंबर हाउ यू हैड टू मेरे ओएस में नहीं वो एक ऐसे इमोशनल सीन है जो शायद ट्रेलर में भी आपने देखी होगी, इसकी झलक है। हाँ, जहाँ हम झगड़ रहे हैं और आई थिंक वो काफ़ी इमोशनल सीन था हम दोनों। मतलब एक होता है सिर्फ झगड़ना, गुस्सा करना, एक होता है कि उस गुस्से में एक्चुअली आपका पेन बाहर निकल रहा है, लाइक यू आर इमोशनल, यू आर एंग्री, देयर सो मेनी इमोशंस यू आर डीलिंग विद। तो वो कुछ एक सीक्वेंसेस हैं ऐसे फिल्म में जो टफ थे। हाँ, ओके। सो आखिर में ये मूवी देखने के बाद ऑडियंस को ये समझ में आ जाएगा कि कैसे इम्परफेक्ट पर्सन एक दूसरे के लिए परफेक्ट बन सकते हैं। एब्सोल्युटली। आई थिंक जो ज़्यादातर हमारे देश में अरेंज मैरिजेज होती हैं और आप एक्सप्लोर करते हो अपने पार्टनर को इन दैट रिलेशनशिप, तो ज़रूरी नहीं कि आप दोनों परफेक्ट हों, या बहुत से व्हेन यू स्टार्ट डेटिंग ऑल्सो इनिशियली तो ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्ट हों, लेकिन कैसे दो इम्परफेक्ट लोग भी साथ में आकर एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। Yes, what do you want to say about this, Janhvi? Like how, you know, perfect बन सकते हैं एक दूसरे, कौन सी ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, समझनी चाहिए? I think respect बहुत important है एक रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप में, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में नहीं, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बनना बहुत ज़रूरी है और आई थिंक आपके अंदर का बचपना अलाइव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यू नो व्हेन यू गेट टू नो समवन हु कीप्स दैट अलाइव इन यू, आई थिंक दैट्स वेरी रेयर एंड यू शुड होल्ड ऑन टू दैट। ओके, सो ऑडियंस को प्लीज़ टेल अबाउट मिस्टर एंड मिसेस माही की कब और थिएटर में बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, सो क्या और कुछ ग्लिम्स एंड ऑल देखने मिलेगा, कितना सीखने मिलेगा इसमें? ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है क्योंकि ये बात जो है वो हम सब की कर रही है। ये सिर्फ ये किरदार हैं ऑफकोर्स महिमा और महेंद्र, लेकिन ये कहानी आप सब की है, आपके परिवार की है, आपके फादर की है, आपके रिलेशनशिप की है। तो 31 मई को आ रही है थिएटर्स में, प्लीज़ गो एंजॉय इट, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। जानवी, टू योर फैंस जस्ट ये कहानी बहुत प्यारी कहानी है, लव स्टोरी है, इसमें जैसे कि राज ने कहा था सबके लिए कुछ ना कुछ है, कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए क्रिकेट भी है, हम सबके फेवरेट MS धोनी का नाम भी है, हालांकि फ़िल्म उन पर आधारित नहीं है, लेकिन बहुत प्यार से बनाई है हमने ये फ़िल्म और हम उम्मीद करते हैं कि आपको उतनी ही पसंद आए जितना हमें आया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।